नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। हनुमान महायज्ञ के अवसर पर निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर। आरोग्य धाम का निशुल्क होम्योपैथिक शिविर 14 को पनकी हनुमान मंदिर में लगेगा। निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर में वितरित की जाएंगी कोरोना, ओमिक्रॉन, डेंगू एवं टाइफाइड से बचने की निःशुल्क दवाइयाँ। श्री पंचमुखी हनुमान जी पनकी धाम मंदिर में 18वें श्री पंचमुखी हनुमान महायज्ञ के आयोजन के अवसर पर श्री मंगलाचरण कथा, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, शिव पार्वती विवाह, श्री राम महोत्सव आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में आरोग्य धाम ग्वालटोली द्वारा मंगलवार तारीख 14 दिसंबर 2021 को निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा एवं दवा वितरण शिविर लगाया जाएगा, जिसमें डेंगू, कोरोना, ओमिक्रॉन, टाइफाइड जैसी बीमारियों से बचने के लिए निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयाँ वितरित की जाएंगी। इस अवसर पर शहर भर के जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। यह जानकारी आरोग्य धाम के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन एवं डॉक्टर आरती मोहन ने एक प्रेस वार्ता में दी। इस अवसर पर आरोग्य धाम ग्वालटोली के संस्थापक श्री आर आर मोहन, किशोर आहूजा एवं टीनू आहूजा उपस्थित रहे। और कहीं पर भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्दी के मौसम में जुकाम, खांसी, बुखार हर को हल्के में ना लें, चिकित्सीय सलाह लें, एंटीबायोटिक सुराहे का प्रयोग बिल्कुल न करें। मैं डॉक्टर आरती मोहन, प्रत्येक वर्ष की भांति जैसे पनकी मंदिर में हमारा कैंप हर साल लगता है, अब की बार भी ये कैंप लग रहा है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कैंप में आकर इसका लाभ उठाएं। इसमें डेंगू, चिकनगुनिया, जो भी वायरल जनित बीमारियां हैं, कोविड है, जो भी लहर तीसरी आने वाली है, हम लोग उसके हिसाब से रोकथाम की भी दवाइयां देंगे। बाकी बहुत से वहां पे भक्त आते हैं, साधु संत आते हैं, जिनको हम लोग चिकित्सीय सुविधा देते हैं, उनकी आंखों की, उनके पैरों की, घुटनों की, जितनी भी जो भी उनको मर्ज होता है उसमें हम लोग फ्री दवाइयां बांटते हैं और अपनी चिकित्सा सुविधा का उनको लाभ देते हैं। तो बस मेरा यही अनुरोध है, आप भी इस महायज्ञ में आकर अपना योगदान दें और हमारी चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाएं। धन्यवाद।